गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो कल तक हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक किया था, आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से करेंगे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोलस्टिक एंड इक्विनॉक्स? सोलस्टिक और इक्विनॉक्स के बारे में लिखना है। चेंज इन सीजन आर एसोसिएटेड विद टू सिचुएशन कॉल्ड सोलस्टिक्स एंड इक्विनॉक्स। हमारे सीजन में जो चेंज होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो पहला सोलस्टिक क्या है? इज एन इवेंट इन विच ए प्लेनेट फॉल्स आर मोस्ट एक्सट्रीमली इंक्लाइंड टुवर्ड और अवे फ्रॉम द स्टार इन ऑर्बिट में, वो अवे हो जाते अपने ऑर्बिट से। देन इक्विनॉक्स इज ए लैटिन वर्ड मीनिंग इक्वल डे एंड नाइट, जिनमें इक्वल लेंथ ऑफ डे एंड नाइट बराबर होते। ऑन मार्च 21 एंड सेप्टेम्बर 23 द डेज एंड नाइट्स आर इक्वल थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में बराबर होते। देन ई पार्ट में हमें डिस्टिंग्विश करना है डे एंड नाइट में। डे टाइम इज व्हेन यू कैन सी द सन फ्रॉम वेयर यू आर एंड इट लाइट एंड हीट कैन रीच यू होता है। नाइट टाइम में क्या होता है? सन इज ऑन द अदर साइड होता है ऑफ द अर्थ फ्रॉम यू एंड इट्स लाइट एंड हीट डू नॉट गेट यू, आप तक नहीं पहुंच पाते। देन समर सोलस्टिक एंड विंटर सोलस्टिक क्या होता है? इट रिलेटेड टू द अर्थ वार्म एंड हॉट सीजन को हम समर सोलस्टिक कहते हैं। ये 21 जून को ऑकर होता है। विंटर सोलस्टिक विंटर सीजन को रेफर करता है, ये नवंबर से फरवरी तक होता है। देन रिवोल्यूशन एंड रोटेशन। रिवॉल्यूशन क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। रोटेशन क्या होता है? द मूवमेंट और स्पिनिंग ऑफ अर्थ ऑन इट एक्सिस कॉल्ड रोटेशन कहते हैं। देन हमारा क्या है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, व्हाई आर सीजन सो इम्पोर्टेंट? सीजन इतना क्यों जरूरी है? द वेरिंग अमाउंट ऑफ सनलाइट अराउंड द अर्थ ड्यूरिंग द ईयर क्रिएटेड द सीजन। सनलाइट के ड्यूरेशन में वेरी होना जिसकी वजह से सीजन क्रिएट होता है। द टाइल ऑफ द अर्थ एक्सिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। अर्थ के टाइल एक्सिस बहुत इम्पोर्टेंट है, वाई सीजन ऑकर क्यों होते हैं? द टाइल ऑफ द अर्थ मीन्स द अर्थ विल लीन टूवर्ड द सन जिसके समर बनता है एंड लीन अवे फ्रॉम द सन जिससे विंटर बनता है। व्हाट इज विंटर सोलस्टिक क्या है लो? द सोलस्टिक दैट मेक The onsets of winter at the time of the shortest day होता है about 22 December in the northern hemisphere and 21 June in the southern hemisphere. What is summer solstice? The solstice that make the onset the summer at the time of the longest day, जिनके दौरान longer day होता है about 21 June in the northern and 22 December in the southern hemisphere. Then question number 4, briefly explain the position of earth during the equinox. During the equinox, both the hemisphere equally inclined toward the sun. During equinox, both the length of the day and night equal on March 21st and September 23rd, the day and night are equal throughout the world. 12 hour days, 12 hour nights. Student can observe this phenomena by नोटिंग डाउन द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट। स्टूडेंट इस फिनोमिना को नोट डाउन कर सकता है किस टाइम पे सनसेट होता है, किस टाइम पे सनराइज होता है। तो इस तरह से आपको ये सब अपने कॉपी पे लिखना है। थैंक यू।